और एक पब्लिशर भी हैं और एक लेखक भी, असद जैदी। असद, बहुत कुछ पहले ही लोग कह चुके हैं, और आज का जो ये माहौल है, ये सबने बार बार वही बात दोहराई है कि हम क्या दिखाई दे रहा है तो सब स्पष्ट है। अब कोई वो धुंधलापन नहीं है। वो जो डिबेट चलते थे कि क्या ये असली फासिज़म है कि नकली फासिज़म है, मुझे लगता है कि उससे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज हमारे सामने जो हमारे समाज का जो चरित्र उभर रहा है वो बहुत ही स्पष्ट है। उसके बारे में बहुत शायद ज़्यादा बहस भी नहीं है। अब मुद्दा ये है कि मनीषा ने बहुत एक अहम सवाल उठाया कि ये क्या बात है कि इस मौके पर जब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने चाहिए थे कि सब पार्टीज़ एक तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, और ये शायद बहुत ही एक गंभीर समस्या है, और हम सिविल सोसाइटी को इतना कमज़ोर ना समझते हुए ये मानते हैं कि जब भी हमारे इतिहास में जब भी कोई डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जब भी कोई शक्ति पैदा हुई है तो वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं हुई है। तो इसी उम्मीद को रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि द साइलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन, जो गौरी ने भी कहा था, और नॉट इन माय नेम कैंपेन का यही एक मेन मुद्दा है कि आप और हम जैसे आम नागरिक थोड़ा सा समय निकाल के सड़कों पे आएं और अपनी बात रखें, और क्योंकि ये एक हर समय एक मन में एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या यही जो 300 लोग 400 लोग बैठे हैं, क्या यही पिछले महीने भी वही 400 थे, क्या उससे पहले भी 400 थे। तो इसी को लेके जो हम लोग ये कैंपेन में इन्वॉल्व हैं, तो संडे, जिसके बारे में राहुल रॉय ने बात भी की कि संडे को दिल्ली में कोशिश रहेगी कि कम से कम 100 जगहों पर छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, कहीं बड़े होंगे कहीं छोटे होंगे, कहीं कला प्रदर्शनी होगी कहीं नृत्य होगा कहीं मुशायरा होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना है। ये अपने ही मतलब अपने ही क्लोज्ड ग्रुप में बैठकर छाती पीटने वाला शायद समय बहुत निकल गया है, और शायद ये हम उस उम्मीद में रहें कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि हम उनके उम्मीद में रहें, तो शायद जब तक वो लोग तो एक दूसरे की गलतियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल भाजपा अपने आप लुढ़क जाएगी और हम उनके रास्ते आ जाएंगे, और कल कैसा गठबंधन होगा तो हमें थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, तो उसके लिए हम लोग शायद इंतज़ार नहीं कर सकते। तो संडे और इस पूरे वीकेंड में, सैटरडे संडे मंडे को आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, notinmyname.org पे अगर जाएं तो उसमें एक नक्शा बना हुआ है दिल्ली और NCR का, तो उसमें सब लोकेशंस हैं, कहाँ इवेंट है, वहाँ लोकल कम्युनिटी के साथ ये इवेंट किए गए हैं, लेकिन आप लोग जाएं और उसमें शरीक होएं और बातचीत करें। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस समय ये बहुत ज़रूरी काम है, चाहे वहाँ पे हम गौरी लंकेश की बात करें या पंसारे और ढाबोलकर की बात करें या कोई भी जो मुद्दे हैं जिनको आज हम लोग लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये कोशिश थी कि जो ये 10 सितंबर के आसपास जो इवेंट्स होंगे, इसके बाद उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद 1000 भी हों, क्योंकि एक रात में तो ये पूरी कोई क्रांति आने नहीं वाली है। बहुत मेहनत का काम है और इसके लिए अपने जेब में हाथ डाल के आपको इन डब्बों में थोड़ा थोड़ी चंदा भी डालनी होगी, क्योंकि उसके बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकता।